फ्रेंड्स, मैं नैना वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी में। और आज मैं आपको एलोवेरा से फेशियल करने के कुछ तरीके बताऊंगी जिसकी वजह से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाएंगे। वैसे तो बाजार में बहुत सारे फेशियल करने वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो हमारे स्किन पर इतने अच्छे इफेक्ट नहीं देखने को मिलते और इससे अधिक बाजार में वो महंगे भी होते हैं। कि आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने घर पर ही कैसे एलोवेरा से फेशियल कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे 5 स्टेप। फर्स्ट, क्लींजिंग। सेकंड, स्क्रबिंग। थर्ड, स्टीमिंग। फोर्थ, फेस मसाज। फिफ्थ, फेस पैक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लींजिंग से। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले एलोवेरा की एक लीव चाहिए होगी। लीव से हमें जेल निकालनी है और उसे अच्छे से ग्राइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास एलोवेरा जेल तैयार है, अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ये तैयार है हमारे पास एलोवेरा जेल। अब हम करेंगे क्लींजिंग, और क्लींजर बनाने के लिए हमें चाहिए एक खाली बोल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल, और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच स्ट्रॉमेल कैन के कच्चा दूध, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्लींज करने के लिए हम एक कॉटन से अपनी स्किन पर अच्छे से रब करेंगे। फ्रेंड्स, इससे जितना भी डर्ट और पॉल्यूट है वो हमारी स्किन से बाहर आ जाएगा और हमारी स्किन बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बन पाएगी। और सर्कुलर मोशन में रब करते रहिए। 5 मिनट के बाद आप अपने पूरे चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर दीजिए। तो हमारा सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग बनाने के लिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच कर्ड यानी के दही। अब आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर तैयार है आपका स्क्रब, और स्क्रब से आप अपनी स्किन पर अच्छी तरह से रब करें। इससे आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो बाहर आ जाएगी और आपकी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट बन पाएगी। तो स्क्रब भी आपने अपने स्किन पर 3 मिनट के लिए ही करना है। तो 3 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड स्टेप है स्टीमिंग। इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही डीपली क्लीन हो पाएगी और आपके पोर्स भी ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से फेस मसाज और फेस पैक आपकी स्किन पर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। इसके लिए आप एक बर्तन में पानी उबालकर उसकी भाप दें। तो हमारा फोर्थ स्टेप है फेस मसाज। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसे अपने स्किन पर 5 मिनट तक मसाज कीजिए। आप इसे अपनी नेक पर भी मसाज कर सकती हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, ऑलिव ऑयल से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी स्किन पर ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है, जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। तो 5 मिनट तक आप इसी तरह से मसाज कीजिए और फिर अपने चेहरे को साफ पानी से धो डालिए। तो हमारा लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप है फेस पैक, और फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच बेसन। बेसन में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच रोज वाटर, और इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तैयार है आपका फेस पैक, और अब हम इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए आप फिंगर टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी ब्रश से अपने पूरे चेहरे पर इसे लगा लें। दोस्तों, महीने में 2 से 3 बार हमें फेशियल्स जरूर करने चाहिए। इससे हमारी स्किन हाइड्रेट रह पाती है और स्किन में एजिंग प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब ये सूख जाए तब आप इसे सादा पानी से वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एलोवेरा फेशियल, और इससे आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। मैंने ना उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।